बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में नए मदरसों को मान्यता की तैयारी, शिक्षकों की भी होगी भर्ती। यूपी में एक बार फिर से मदरसों को मान्यता देने की तैयारी है। सिर्फ मान्यता ही नहीं दी जाएगी बल्कि इन मदरसों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में निर्णय लिया है। राज्य में वर्ष 2016 से किसी भी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी गई। बातचीत में बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि इस बार नए मदरसों को मान्यता देने के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए जाएंगे। पुराने आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्राइमरी व सेकेंडरी कक्षाएं चलाने वाले मदरसे अगर सीनियर सेकेंडरी कामिल व फाजिल की कक्षाओं के लिए आवेदन करेंगे तो उनके द्वारा पूरे किए गए मानकों की जांच करवाकर ऐसे मदरसों की मान्यता को अपग्रेड किया जाएगा। 18 पार वालों को लगेगी बूस्टर डोज, सीएम योगी ने तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को बूस्टर डोज दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बूस्टर डोज के महत्व और बूस्टर टीकाकरण केंद्रों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शनिवार को उच्च अधिकारियों के साथ टीम 9 की बैठक में दिए। सीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमें खासतौर से सतर्क रहना होगा। उन्होंने कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति को संतोषजनक बताया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि 32,31,00,000 से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही 18 से अधिक आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, बोले फील्ड पर उतरकर अधिकारी अवैध पार्किंग व स्टैंड पर करे कठोरतम कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध वाहन स्टैंड व पार्किंग संचालकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। आज टीम 9 के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरे, शासन स्तर के विभागीय अधिकारी जिलों में आकर जांच करें। बिना शटरिंग के बनाए जाएंगे मेट्रो के भूमिगत स्टेशन, तेजी से चल रहा काम। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन टॉप टाउन प्रणाली के तहत 7 भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण करा रहा है। इसमें बिना शटरिंग के भूमिगत स्टेशन के दोनों तलों के छतों का निर्माण होगा। पहले चरण में आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन पर डायफ्राम वॉल का निर्माण हो रहा है। ताजमहल और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर इसके निर्माण की तैयारी की जा रही है। यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि भूमिगत स्टेशन बनाने में अन्य प्रणालियों की तुलना में टॉप डाउन प्रणाली बेहद किफायती है। अजब गजब, कुत्ता बिल्ली पालने से पहले पड़ोसी लेनी होगी इजाजत, नगर निगम बनाने जा रहा नियमावली। उत्तर प्रदेश के आगरा में अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ साथ पड़ोसी की भी सहमति लेना ना भूलें। जी हां, नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण उसी दशा में होगा जब आपका पड़ोसी अनापत्ति देगा। दरअसल नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे नगर निगम सदन में रखा जाएगा और पास होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। इनको नहीं मिलेगा फ्री राशन का लाभ, सपा ने ट्विटर पर शेयर किया पात्रों की कंडीशन लिस्ट। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्त राशन का प्रलोभन देने वाली भाजपा अपात्र और अपात्र की कंडीशन लगाकर गरीबों को राशन से वंचित करना चाहती है। सपा ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि गरीबों को राशन न देना पड़े इसलिए नौटंकी कर रही है भाजपा सरकार। पात्र और अपात्र की कंडीशन लगा गरीबों को राशन से वंचित करने की ये भाजपा की नई चाल है। गरीबों का वोट लेकर सत्ता तो हथिया ली, अब उन्हें वादे के मुताबिक पूरा राशन दे सरकार। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर राशन भोगी ऐसे परिवारों को चिन्हित करने को कहा जो संपन्न होने के बावजूद मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। सीएम योगी की विधायकों को नसीहत, ठेके पट्टी और ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दे, नकारात्मकता जनप्रतिनिधि के लिए खतरनाक है। जनता फिर भी इस भाव के साथ आपको लाती है। ठेके पट्टे व ट्रांसफर पोस्टिंग से विधायक दूर रहें, राजनेता अब अविश्वास का प्रतीक बन गया है। इसे विधानसभा में अपने आचरण व मुद्दों चर्चे के जरिए दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शनिवार को विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने नकारात्मकता का उदाहरण देते हुए कहा कि एक विधायक बार बार धरना प्रदर्शन करते थे, इस बार चुनाव हारे, चौथे नंबर पर आए। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2.5 साल में वाहन भरेंगे फर्राटा, सितंबर में शुरू हो जाएगा निर्माण। 2 साल बस और इंतजार कीजिए। कानपुर से लखनऊ के बीच
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे जाम के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। वाहन से पराठा भरते हुए महज 50 मिनट में कानपुर से लखनऊ पहुंच जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्यदायी संस्था से अनुबंध कर लिया है। सितंबर से काम शुरू करने के लिए कार्यदायी संस्था ने तैयारी शुरू कर दी। कानपुर लखनऊ के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। 63 किलोमीटर के लंबे एक्सप्रेसवे के 4100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लखनऊ आकर नितिन गडकरी कर गए थे। पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी कटौती, जाने आगरा में कितनी कम होगी कीमत। महंगाई के मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 और डीजल पर 6 रुपए कम कर दिए। इस कटौती के बाद आगरा शहर में पेट्रोल के दाम में करीब 9.5 रुपए और डीजल के दाम में 7 रुपए की कटौती हो सकती है। इससे पहले शनिवार सुबह शहर में पेट्रोल की कीमत 105 और डीजल की 96.56 रुपए थी। सड़कों से समाप्त होगा अतिक्रमण, जाने शहरों में बस रही कॉलोनीज को लेकर सीएम योगी का प्लान। यूपी के सभी विकास प्राधिकरण और नगर निकायों में टाउन प्लानर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 सालों की स्थिति को ध्यान में रखा जाए, शहरों में अवैध कॉलोनीज को विकसित होने से रोका जाए। प्रदेश में मौजूदा समय 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 734 निकाय हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि तत्काल समाप्त कराएं। कानपुर में फिर डायरिया और हीट स्ट्रोक से 5 की मौत। यूपी में भीषण गर्मी ने ली अब तक 30 की जान। कानपुर समेत पूरे यूपी में गर्मी का सितम लगातार जारी है। कानपुर में शनिवार को डायरिया, हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक से 5 और लोगों की मौत हो गई। हैलेट इमरजेंसी और कार्डियोलॉजी में रिकॉर्ड मरीज पहुंचे, जिनमें 39 को भर्ती किया गया। इनमें 7 मरीजों को किडनी फेल होने पर सघन चिकित्सा में रखा गया। हैलेट मेडिसिन हेड प्रोफेसर ऋचा गिरी का कहना है कि मेडिसिन की ओपीडी लगातार 1000 मरीजों की पार कर गई। शनिवार को 700 मरीज 1:30 बजे तक रिपोर्ट हो चुके हैं। हैलेट इमरजेंसी फुल होने पर वार्ड 1 में इमरजेंसी मरीजों को भर्ती कर इलाज की व्यवस्था की गई। शिक्षकों के फेरबदल की तैयारी में योगी सरकार, पहले अंतर जनपदीय फिर जिले के अंदर होंगे तबादले। यूपी सरकार इस बार सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन व तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। इस बार नीति में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। पिछली बार ज्यादा वरीयता अंक पाकर जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ और पहले चरण में वे अपने जिलों में तैनाती के लिए पहुंचे तो उन्हें दूरदराज के एकल स्कूल्स और बंद स्कूल्स में तैनाती मिली थी। अब शुरू होगा रामलला के गर्भगृह का निर्माण, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पूजन। रामलला के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से होगा। गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पूजन करके करेंगे। ये जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दी। इन दिनों राम मंदिर के प्लिंथ निर्माण का काम द्रुत गति से चल रहा है। 360 फीट लंबे और 235 फीट चौड़े क्षेत्र में प्रस्तावित मंदिर की 21 फीट ऊंची प्लिंथ का निर्माण अगस्त तक पूरा होना है, किंतु गर्भगृह की प्लिंथ का काम 31 मई तक पूरा कर लिया जाना है, ताकि तय कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन से पूर्व में तराश कर रखी गई शिलाओं का संयोजन शुरू किया जा सके। विधायकों को दिया गया ई विधान प्रणाली का प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सदन के कार्यवाही नियमों और परंपराओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आज 3रा दिन है। विधानसभा मंडप में शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि इसका शुभारंभ किया। कल शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उद्बोधन हुआ। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्ष के दिग्गज और पूर्व जनप्रतिनिधि भी विधायकों को सदन की कार्यवाही, संसदीय परंपराओं आदि का पाठ पढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधायकों को ठेके पट्टे व ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहने की सलाह दी। सीआईएससी भी सत्र में कराएगा एक ही बोर्ड परीक्षा, सिलेबस में किए हैं कुछ बदलाव। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी सीआईएससीई की ओर से भी वर्ष 2023 में आईएससी और आईसीएसई की केवल एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। काउंसिल ने स्कूल्स के लिए जारी पत्र में ये जानकारी दी है कि सत्र 2022-23 में 2 सेमेस्टर की बजाय केवल एक ही परीक्षा यानी एक ही बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा फरवरी मार्च 2023 में होगी। इस सत्र के लिए भी काउंसिल ने सिलेबस में कुछ बदलाव किए, जो काउंसिल की वेबसाइट में पब्लिकेशन सेक्शन के अंतर्गत अपलोड कर दिए गए हैं। स्कूल बदले हुए सिलेबस के अनुरूप छात्र छात्राओं की पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए अपना टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। मनरेगा कार्यों के शासन से होगी जांच। मनरेगा के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई, अनियमितता, टेंडर हुए, अपंजीकृत फॉर्म को भुगतान किया गया।
नवंबर 2021 से लगातार खबरों का प्रकाशन किया। डीएमसीडीओ ने डीसी मनरेगा से जांच कराई, जिसमें तथ्यों की पुष्टि हुई। मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय तक पहुंचा तो यूपी सरकार को निर्देशित कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। ग्राम्य विकास आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह ने शासन की 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी। ये टीम बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक की 23 ग्राम पंचायतों की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मेरठ में बोले गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, किसानों का दर्द समझते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गन्ना विभाग के मंत्री और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार शनिवार को मेरठ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। किसानों से भरे हुए प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री ने संबोधित करते हुए चीनी मिल गन्ना भुगतान व जाट आरक्षण संघर्ष का जिक्र किया। गन्ना मंत्री ने भारत माता की जय और चौधरी चरण सिंह अमर रहे से अपने संबोधन की शुरुआत की। विभाग में 327 सिपाहियों की होगी भर्ती, यूपीएसएसएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आबकारी विभाग द्वारा नए सिपाहियों की भर्ती के साथ ही पिछली चयन प्रक्रिया से गुजर कर चयनित हुए 376 अन्य सिपाहियों को भी जल्द ही नियुक्ति किए जाने की संभावना है। विभाग में भर्ती प्रक्रिया लंबी खींचने के कारण सिपाहियों की कमी है, जिस कारण छापेमारी की कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। यूपी में आप अपनी जमीन पर बनवाएं सरकारी अस्पताल, दें पुरखों का नाम। अब अगर आप अपनी जमीन पर सरकारी अस्पताल बनवाने के लिए दान देंगे तो वो आपके पुरखों के नाम से जाना जाएगा। अस्पताल के लिए मुफ्त में जमीन देने वाले व्यक्ति की पसंद पर ही अस्पताल का नाम रखा जाएगा। यही नहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अब खुद जमीन खरीद कर भी बीच बस्ती में सरकारी अस्पताल बनवाएगा। अभी तक ग्राम समाज या फिर किसी अन्य सरकारी विभाग की खाली जमीन मुफ्त में लेकर सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, लेकिन अब अस्पताल बनाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जमीन खरीदेगा। किशोरावस्था में किए गए अपराध के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना गलत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था में किए गए अपराध के आधार पर किसी को नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी भी बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड विशेष परिस्थितियों में मिटा दिए जाने चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति द्वारा किशोर के रूप में किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कोई कलंक न रह जाए। क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य है कि किशोर को समाज में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वापस स्थापित किया जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अभिषेक कुमार यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। ओबीसी के 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से इन 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था। हालांकि मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वो विचार कर रही है। कहा गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पुनर्विचार किया जाएगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ कर रही थी। राकेश टिकैत ने कहा, प्राइवेट बस अड्डों को बंद करने से बढ़ेगी बेरोजगारी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राइवेट बस अड्डों और पार्किंग स्टैंड को हटा रही है, जिससे बेरोजगारी और लोगों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने किसानों से आगामी 29 मई को काकड़ा में होने वाली पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी भाकियों के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मांगेराम त्यागी की ताई का 2 दिन पूर्व निधन हो गया था। राकेश टिकैत उनके आवास पर सांत्वना देने पहुंचे थे। सोलर पंप लगवाने पर 75% सब्सिडी दे रही है सरकार। किसान केवल 25% राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जींद के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं चलाकर काम कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सरकार की सोच है कि किसानों की खेती में आने वाली लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को फायदा मिल सके। डीसी ने बताया कि अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली में फसलों की सिंचाई करने के लिए निर्भर बिजली पर नहीं रहना पड़ेगा, और अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा चालित पंप से लहलहाएंगी। कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स ने उपज बढ़ाने वाले पोषक सुपरस्टार लॉन्च किया। एक कार्यक्रम में ने अपना पहला पेटेंट उत्पाद पोषक सुपरस्टार लॉन्च किया। कार्यक्रम में पूरे देश से कंपनी के लगभग 180 एलीट चैनल पार्टनर मौजूद थे। पोषक सुपरस्टार सीआईबी द्वारा अनुमोदित उत्पाद है, जो पौधे की उपज बढ़ाने का काम करता है। ये पौधे की बढ़वार तेजी से करता है, फूलों के उत्प्रेरण में मदद करता है और फूल के विन्यास में सुधार करता है। यूपी में 10 जून तक दस्तक देगा मानसून, 10% अधिक बारिश का अनुमान।
फरवरी में ही गर्मी का एहसास, मार्च में ही पारा 40 के बाद, अप्रैल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचना, मई में दिन पर दिन रंग बदलता मौसम, रात के तापमान में इजाफा। मौसम विज्ञानी इसे मानसून के अपने समय से पहले दस्तक देने के संकेत मान रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का दीर्घकालिक पूर्वानुमान बता रहा है कि उत्तर प्रदेश पर इस बार मानसून मेहरबान होगा, इसकी दस्तक भी समय से पहले होगी। राजधानी में इस बार मानसूनी बरसात औसत से अधिक यानी 900 मिलीमीटर होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बलिया के रास्ते मानसून की आमद 15 जून के आसपास होती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।